देखिए शायद दो तीन हाउसेस की तो मैंने बात की जिसमें भारतीय रिटेल एक क्रूशियल रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हमने नजर रखनी होगी, साथ ही साथ गुजरात गैस को लेकर भी हमने बातचीत की। एक दो हाउसियों की अगर और बात की जाए तो एक आपको आज नजर रखनी पड़ सकती है, खासतौर से स्टील स्पेस के ऊपर, जहां पर एक क्रेडिट स्पेस की रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर पर। उन्होंने कहा कि चाइना स्टील प्रोडक्शन जो है वो फिलहाल कूल ऑफ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और उसके अलावा उन्होंने कोकिंग कोयल के जो प्राइसेस है वो भी थोड़े से बढ़े हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उन्होंने मई में डाउनग्रेड किया है स्टील सेक्टर को लेकर भी, और ये भी माना है कि मल्टीपल ग्लोबल हेडविंड्स उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि स्टील का जो इंडियन स्टील मार्केट है वो वेल प्राइस दिखाई पड़ रही है बाकी ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में। उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर, बाकी किसी स्टील कंपनी को तो कोई भी वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन हाँ सिर्फ एक जेएसडब्ल्यू स्टील को उन्होंने शामिल किया है जिसके ऊपर उन्होंने एक अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की। हालांकि स्पेस को लेकर काफी और भी बज है और स्पेस को लेकर काफी और भी फेर बदल हो रहा है, तो इस रिपोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट शायद देखने को ना भी मिले, लेकिन हाँ क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट स्टील स्पेस के ऊपर आई है, अंडरवेंट रेटिंग उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील को दी है।